तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो फ्रेंड्स एक और इंडोर खूबसूरत प्लांट डेफिनबेकिया के बारे में है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये डेफिनबेकिया के प्लांट हैं। आप देख सकते हैं, ये सभी डेफिनबेकिया के प्लांट हैं। ये सभी मेरे प्लांट कटिंग से ग्रो किए गए हैं। और ये देखिए, ये भी डेफिनबेकिया के प्लांट हैं। डेफिनबेकिया के प्लांट में भी बहुत सारे आपको वैरायटी देखने को मिलते हैं। आप इसके पत्ते देख सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंट और बड़े आकार के। और ये देखिए, एक और पत्ते बिल्कुल व्हाइट व्हाइट, इसमें धब्बे लगे रहते हैं। दोनों ही प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स, हम ऐसे ही कुछ बातें शेयर करेंगे जिससे आपके प्लांट, डेफिनबेकिया के प्लांट पत्तों से भरे रहेंगे और सदा हरे भरे और हेल्दी ग्रोथ करेंगे। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से डेफिनबेकिया प्लांट की केयर करें। तो फ्रेंड्स, डेफिनबेकिया एक इंडोर प्लांट के साथ साथ एयर प्यूरिफाइंग प्लांटों में गिना जाता है, जिसके पत्ते भी उतने ही खूबसूरत हैं और इनके गुण भी उतने ही अधिक हैं। कहा जाता है, अगर आप इन प्लांटों को अपने घर में जगह देते हैं तो कई ऐसे विषैले गैसों को ऑब्जर्व करने का काम करते हैं। और कम देखभाल में भी ये प्लांट हरे भरे और स्वस्थ ग्रोथ करते हैं। अगर आप उन प्लांटों की चाह में हैं जिसे कम देखभाल करना चाह रहे हैं, ये प्लांट ना ज़्यादा आपसे केयर खोजते हैं, ना ज़्यादा आपसे फर्टिलाइज़र, ना ज़्यादा आपसे सनलाइट की रिक्वायरमेंट रखते हैं। बिल्कुल ब्राइट लाइट में, बल्ब की रोशनी में, हल्के फुल्के सनलाइट में ग्रोथ करने वाले प्लांटों में हैं। तो आप इस प्लांट को अपने घर में लगा सकते हैं। अब सिर्फ आपको ध्यान देनी है कि वैसे जगह का लोकेशन दे जहाँ पर भरपूर मात्रा में इस पर रोशनी हो। बिल्कुल अंधेरे डार्क प्लेस में ना रखें, इसके लिए रोशनी थोड़े से ज़रूरी है। अगर आपके पास मॉर्निंग की सनलाइट आती है तो वो भी लोकेशन इसके लिए सूटेबल है। आप चाहे तो खिड़की पूर्व साइड के विंडो पर रख सकते या फिर ईस्ट साइड के बालकोनी में भी जगह दे सकते हैं। और दूसरी जो बातें हैं इस प्लांट के लिए, सॉइल, आप किस तरह के सॉइल में इस प्लांट को लगा रखे हैं। तो मैं जो इस प्लांट को लगा रखी हूँ फ्रेंड्स, उसमें एक पार्ट के करीब सॉइल, सैंड, कंपोस्ट और कोकोपीट का मिश्रण है। सॉइल में हम खेत वाली मिट्टी यूज कर रहे हैं। और कई सालों से इस प्लांट को हमने एक ही गमले में लगा रखी हूँ, तब भी आप देख सकते हैं ये प्लांट कितनी अच्छी तरह से और हेल्दी ग्रोथ कर रहे हैं। इसकी लंबाई बिल्कुल बढ़ रही है और जैसे जैसे इसकी लंबाई बढ़ती है, इसके नीचे से लीव्स पीले होकर झड़ जाते हैं और बिल्कुल एक लंबे डंठल की तरह ये ग्रोथ करते हैं। और ऊपर के लीव्स जाड़ों में भी, विंटर में भी अच्छी तरह से निकलते रहते हैं। यानी कि सालों भर ये प्लांट ग्रोथ अपनी धीमी ग्रोथ करते रहती है। आप देख सकते हैं, अभी भी एक पत्ते निकल रहे हैं इसमें। और तीसरी जो बातें हैं फ्रेंड्स, इसके पत्तों की चमक। तो समय समय पर आप क्या कर सकते हैं, इसके पत्ते को क्लीन करते रहें। आप देखिए, बिल्कुल पानी का स्प्रे इसके पत्तों पर हमेशा करते रहें, क्योंकि धूल कण ही इस पत्ते को खराब करते हैं। धूल कण और स्पाइडर माइट्स इस प्लांट को ज्यादा खराब करते हैं। यानी कि इसके पत्ते को आप अगर क्लीन करते हैं, हमेशा क्लीन रखें, तो कई ऐसे बीमारियों से इस प्लांट को आप बचा पाएंगे। और इसकी पानी की भी रिक्वायरमेंट कम है, सनलाइट की भी रिक्वायरमेंट कम है। पानी भी कम से कम डालें और फर्टिलाइजर भी कम से कम डालें। आप देख सकते हैं, इन प्लांटों में हमने अक्टूबर में ही
फर्टिलाइजर डाली थी, बीच बीच में कभी कभी चावल का पानी, दाल का पानी, उसी पानी को मैं डालती हूँ, एक्स्ट्रा से कोई भी पानी मैं नहीं डालती हूँ। और उतने में ही ये प्लांट कम फर्टिलाइजर, कम सनलाइट में अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, और इसका प्रोपिगेशन फ्रेंड्स बहुत ही इजी है। आपके पास अगर एक प्लांट है तो आप इस प्लांट से कई प्लांट आप बना सकते हैं। मैं शुरू शुरू जब गार्डनिंग शुरू की थी तो एक प्लांट मैं लाई थी, और अभी मेरे पास कम से कम 200 प्लांट होंगे। अभी भी आप देख सकते हैं एक गमले में 3 प्लांट लगे हुए हैं, क्योंकि गमले की अभी कमी है। और इसमें भी आप देखिए कई प्लांट मेरे लगे हुए हैं, और हमेशा इसके जो सूखे लीव्स होते हैं इस तरह के, आप इसे हटाते रहें। जहाँ भी सूखे पत्ते या खराब पत्ते हो या फिर इन्फेक्टेड पत्ते हो तो आप उसे तुरंत से हटाकर कहीं दूर फेंक दें। और एक इम्पॉर्टेंट बातें बता दूं फ्रेंड्स, ये थोड़े से प्लांट थोड़े से टॉक्सिक हैं, इसलिए अपने बच्चों और पालतू जानवरों से इस प्लांट को दूर रखें। तो फ्रेंड्स, आप इस प्लांट को अपने घर में लगा सकते हैं, और पूरी इन्फॉर्मेशन इस प्लांट के बारे में दे चुकी हूँ। अगर और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।